रोल। मंत्री जी, धान की आवक जो है शुरू हो गई, किस तरह की स्थिति जो है हरियाणा में है इस समय? पिछले एक सप्ताह से बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से धान की आवक हो रही है और पेमेंट भी हमने शुरू कर दी है और इस वक्त जो है काफ़ी मात्रा में धान मंडियों में आ चुका है। और खुशी की बात यह है कि इस साल जो है धान ने हमारी उम्मीद के अनुसार कुछ 15-20% पिछले साल से ज़्यादा आएगा, ज़्यादा किसानों को लाभ होगा, ज़्यादा हम पेमेंट करेंगे और सुचारू रूप से धान की मंडियाँ चल रही हैं। डीएपी को लेकर जो शोर हरियाणा में मच रहा है, किस तरह की स्थिति है डीएपी? कोई कमी है? देखिए, पिछले 15 दिन में हमने लगभग 8-10 लाख बोरी डीएपी के उपलब्ध कराए हैं। हमारे पास अभी भी 8-10 लाख बोरी का स्टॉक है और अभी तो बिजाई का वक्त भी नहीं आया है। सरसों की बिजाई 15 अक्टूबर के बाद होती है, गेहूं की बिजाई नवंबर और दिसंबर में होती है, तो कहीं शॉर्टेज का कोई विषय जब ज़रूरत होगी तभी आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी किसान को किसी तरह की हम दिक्कत आने देंगे। इस अक्टूबर के अंदर हमारे पास हर ऑल्टरनेट डे पे एक रेक आ रहा है, नवंबर की भी हम प्रबंध करने जा रहे हैं। किसान भाइयों से एक जरूर मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो सरसों के किसान हैं वो डीएपी की बजाय अगर एसएस और एनपीके का प्रयोग करें तो तेल की मात्रा भी ज़्यादा आती है, फसल भी ज़्यादा होती है और उसको कीमत भी कम लगती है। पराली को लेकर किस तरीके से बयानबाजी दोबारा शुरू हो गई है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी बयान आया है, किस तरीके से देखते हैं उनके बयान को? केजरीवाल जी ज्ञानी आदमी है। पहले वो दिल्ली के प्रदूषण को जो वक्त आता था दिवाली के आसपास पटाखे वगैरह जलाने से या व्हीकल प्रदूषण पॉल्यूशन से, तो पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के किसानों को ब्लेम करते थे। अब क्योंकि पंजाब में चुनाव है, इस बार सारा जो ब्लेम है वो हरियाणा के किसानों पर डालने जा रहे हैं, जबकि हरियाणा में किसान पराली को नहीं जलाते। इक्का दुक्का घटना को छोड़ करके सारी पराली का सदुपयोग होता है, बेलर हमने दिए हैं, पराली का कंजम्पशन हमने किया है और किसानों को प्रति एकड़ 1,000 रुपये भी हम दे रहे हैं। और किसान हरियाणा का वैसे भी पर्यावरण के प्रति जागरूक है और वो इन चीज़ों को समझता है, लेकिन हर चीज़ में राजनीति करना उचित नहीं होता। विपक्ष आपके समक्ष कांग्रेस ने शुरू किया है कार्यक्रम हरियाणा, पूरे हरियाणा में रहेगा, किस तरीके से देखते हैं विपक्ष इस कार्यक्रम को? ये विपक्ष की बजाय कांग्रेस का एक पक्ष जनता के समक्ष है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर बहुत ग्रुप हैं और उनकी आपसी खींचातानी होती रहती है। तो इस बार जो कार्यक्रम था इसमें कांग्रेस अध्यक्ष या कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी तो नहीं थे, लेकिन जो अध्यक्ष को हटाने वाले बहुत सारे विधायक हैं जो कई बार मांग कर चुके हैं वो जरूर इकट्ठे हुए थे। और कांग्रेस का हाल चाहे वो देश में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे राजस्थान में हो, पंजाब में हो, सब जगह आपस के ग्रुप बने हुए हैं, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता के हितों की बात करने के बजाय वो आपस में अपने प्रभुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और कांग्रेस कुछ दिनों में टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। एक, किसानों के हित की आप लगातार बात करते रहते हैं लेकिन किसान संतुष्ट नहीं है और उसी का नतीजा रहा कि लखीमपुर में घटना हुई। लखीमपुर घटना में फिर कांग्रेसी नेता काफी संख्या में वहां पर गए, किस तरीके से देखते हैं पूरा घटनाक्रम? देखिए, लखीमपुर की घटना की हर कोई निंदा करेगा, मैं भी निंदा करता हूँ, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी भी तरह की किसी हिंसा की गतिविधि में किसी भी आदमी की जान जाए वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जिस गति से कांग्रेस के नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो और प्रदेशों के मुख्यमंत्री हो, भाग के वहाँ गए, उससे ऐसा लगता है कि इस घड़ी का वो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, 10 महीने से। किसान हितैषी होने का जो कांग्रेस ढोंग कर रही है, देश का किसान इसको अच्छी तरह समझ रहा है और जो लाशों की राजनीति कांग्रेस करना चाहती है इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। किसान को के नाम पर तो वो लखीमपुर भाग जाते हैं। राजस्थान में एक
एससी भाई को लाठियों से मार दिया, उसके बारे में कोई ट्वीट भी नहीं किया। कश्मीर में हमारे हिंदू और सिख भाइयों को मार डाला गया, उसके बारे में ट्वीट भी नहीं किया। तो कांग्रेस की नीति को लोग जो अच्छी तरह समझते हैं, कांग्रेस में अब जो है टुकड़े टुकड़े होने वाला वक्त आ चुका है।